सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MK एग्जाम प्रिपरेशन और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के मेरे YouTube चैनल MK एग्जाम प्रिपरेशन में। दोस्तों, आज हम CGPSC मेंस जिसका एग्ज़ाम 2018 में हुआ था उसका पेपर नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। अभी से रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन पेपर को सामने में रखकर वीडियो को देखें, क्योंकि बिना क्वेश्चंस के समझ में नहीं आएगा कि कौन सा आंसर किस क्वेश्चन का है। तो सही, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और छोटे भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करना, जो लोग CGPSC मेंस की तैयारी में जुटे हुए हैं। चलिए, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले पार्ट में हमने जितने भी 8 नंबर के क्वेश्चन थे उनका अच्छे से एनालाइज कर लिया है, जिनकी शब्द सीमा 100 थी। इसमें हम 125 शब्द और 175 शब्द वाले क्वेश्चंस का एनालाइज अच्छे से करेंगे और ये हमारा पेपर नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। तो चलिए देखते हैं। खंड 4 के जिसमें 125 शब्दों का क्वेश्चंस है, जिसमें आधारित अंक 10 है। तो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 125 शब्द के प्रश्न केवल भाग 2 से आते हैं, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग शामिल है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। तालिका में किसी राज्य के 2 जिलों ए तथा बी में बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में निवेशित राशि करोड़ रुपए में दर्शित है। तालिका का अध्ययन कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसके लिए आप लोग दोस्तों क्वेश्चन पेपर को सामने में रखिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को ऐड कर पाना पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन वहाँ पे दिया था कि 1995 की तुलना में 1996 में 2 जिलों ए व बी में कुल निवेश लगभग कितने प्रतिशत अधिक हुआ, अर्थात 95 की तुलना में 96 में जिला ए और बी में देखना है। तो दोस्तों, इसका आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन पेपर को जरूर देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला। तो 1995 में ए और बी में कुल निवेश इतना हुआ था और 1996 में ए और बी में कुल निवेश इतना हुआ था। तो अभीष्ट वृद्धि देख लेंगे। तो अभीष्ट वृद्धि कैसे निकालेंगे, तो बड़े वाले में छोटे वाले को पहले ऊपर में माइनस करेंगे, फिर नीचे में छोटे वाले को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 1996 में निकालना है। 1996 में जो वृद्धि हुई है उसको निकालना है, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा कुछ करेंगे तो 18.35 आंसर आ जाएगा। फिर इसी में सेकंड क्वेश्चन दिया है कि 1995 की तुलना में 1996 में विद्युत तथा ताप क्षेत्र में जिला ए में निवेशों के अंतर का अनुपात कितना है। तो जिला ए में 1995 से लेकर 96 में विद्युत क्षेत्र में अंतर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग सारणी देखिए क्वेश्चन पेपर में, 2815 में 1054.2 को माइनस कर देंगे तो इतना आ जाएगा। फिर ताप क्षेत्र में भी वैसे माइनस करेंगे तो अभीष्ट अनुपात जो आया है उन दोनों का निकाल लेंगे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इतना आंसर आएगा, इसको और सॉल्व करके आप लोग आगे निकाल सकते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है, 1995 और 96 में जिला बी में कुल निवेश उन्हीं वर्षों में जिला ए में कुल निवेश का लगभग कितने गुना था। तो सबसे पहले गुना निकालने के लिए क्या करेंगे, 1996 में 1995 को माइनस कर देंगे, फिर 1996 का जो डाटा है उसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.15 आ जाएगा। अतः बी में कुल निवेश, इसको लिखना पड़ेगा आपको ऐसा ऐसा, बिल में अतः बी में कुल निवेश ए में कुल निवेश का 15.5% है। इसी में चौथा प्रश्न है, 1995 से 96 में वृद्धि दर आपको बताना है। क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार पढ़ देता हूँ। यदि जिला बी में कुल निवेश 1997 में उतनी वृद्धि दर को दर्शाता है जितनी 1995 से 96 तक दर्शाई गई है, तो जिला बी में 1997 में कुल निवेश लगभग कितना होगा। तो 1995 से 96 में वृद्धि दर आपको पहले निकालना है, 1995 का इतना और इतना है तो जो माइनस कर देंगे तो उसका वृद्धि दर मिल जाएगा। वैसे 97 में निकालना है तो 2365 में इसको ऐड कर देंगे, जो दोनों के बीच में डिफरेंस आया है उसको ऐड कर देंगे तो इतना मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए, अतः 1997 में कुल निवेश 14,163 है। दोस्तों, वैसा अगर मैथ्स का लेंदी क्वेश्चन आता है तो उसको छोड़ के आप लोग थ्योरी पार्ट को लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें देखिए अथवा करके एक और क्वेश्चन दिया था कि गणित में आर्यभट्ट के योगदान को लिखिए 125 शब्दों में। तो देखिए यहाँ पे आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में
पटना के निकट कुसुमपुर में हुआ था। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आर्यभट्ट के जीवन परिचय से स्टार्ट करना पड़ेगा। यह समय भारत का स्वर्ण युग था। आर्यभट्ट ने 23 वर्ष की आयु में 499 ईसा पूर्व में आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना की, जिसका गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। इस ग्रंथ के चार प्रमुख भाग हैं, गीतिकापाद, गणितपाद, कालक्रियापाद और गोलपाद। आर्यभट्टीय ग्रंथ में 121 श्लोक हैं। गणितीय पाद में जो विषय दिए गए हैं वे इस प्रकार हैं, संख्या निरूपण, वर्ग और घन, परिक्रम, वर्गमूल, घनमूल, त्रिभुज, वृत्त, समलंब, चतुर्भुज के क्षेत्रफल, गोल, पिरामिड का आयतन तथा पी का मान, आर, साइन, सारणी, श्रेणी, गणितम, त्रैराशिक, व्यस्त त्रैराशिक, पंचराशिक, सप्तराशिक, विपरीत कर्म, युगपत समीकरण आदि। आर्यभट्ट ने पी का मान 3.1416 के चार स्थानों तक ज्ञात किया। इनकी प्रसिद्धि भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी है। भारत ने अपने पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखकर इनके प्रति सम्मान प्रकट किया है। तो यहाँ पे देखिए, आपको थ्योरी लिखने में आराम से मिल जाएगा, 10 में कम आपको 7 या 8 नंबर तो मिल ही जाएगा। तो वैसा मैथ्स के लेंदी क्वेश्चन से अच्छा ये है, लेकिन जिसका बहुत ज़्यादा मैथ्स से स्ट्रांग है उसके लिए मैथ्स ही सबसे बेस्ट है। अब हम खंड 5 में भाग 1 और भाग 3 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाग 2 अर्थात मैथ्स या रीजनिंग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, साइंस और टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 175 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। CGPSC 175 शब्द लिखने के लिए 17 या 18 लाइन A4 साइज पेपर में देता है। तो इसमें प्रश्न, पहला प्रश्न है, और दोस्तों इसमें आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें मैंने चारों क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया है। तो देखते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए तथा आइंस्टाइन समीकरण, देहली आवृत्ति एवं कार्यफलन को समझाइए, उपयोग भी लिखिए। तो यहाँ सबसे पहले आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है उस चीज़ को बताना है, फिर जो आइंस्टाइन समीकरण है जो देहली आवृत्ति कार्यफलन के बीच में संबंध बताता है, उस समीकरण को कैलकुलेशन करके दिखाना है, फिर उपयोग को लिखना है। यहाँ पे आपको 15 मार्क्स मिलते हैं ये सारी चीज़ें लिखने के लिए। तो पहले देखते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। तो प्रकाश के प्रभाव से किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसमें प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। तो धातु पर विकिरण के आपतित होते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता फोटान की संख्या पर निर्भर करती है, न कि आवृत्ति पर। वेग आपतित किरण की आवृत्ति पर निर्भर करती है, न कि उसकी तीव्रता पर। प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति, जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं, होती है, जिसके नीचे प्रकाश उत्सर्जन संभव नहीं हो पाता। तो देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, तो प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति होती है जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं, और उसके नीचे प्रकाश उत्सर्जन नहीं हो पाता। इसका मान धातु के लिए अलग अलग धातु के लिए अलग अलग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे केवल लिखा है सिलेबस में प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो देखिए CGPSC कहाँ तक पूछना चाहता है, क्योंकि ये जैसे आपको बारी फिजिक्स में दिया गया है, 10वीं टेंथ क्लास में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण देखते हैं। सन 1905 में आइंस्टाइन ने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी, जिस प्रत्येक फोटान की ऊर्जा E=h μ होती है, या म्यू को आवृत्ति से डिनोट करते हैं। तो एच प्लांक नियतांक, जिसका मान होता है 6.63 × 10⁻³ जूल सेकंड, और वी क्या है, आवृत्ति है। तो यहाँ देखिए, और ऊर्जा संरक्षण के नियम से आपतित फोटान की ऊर्जा धातु का कार्यफलन प्लस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा। यदि धातु का कार्यफलन को फाई माना जाता है तथा गतिज ऊर्जा को ई के माना जाता है, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, ऊर्जा संरक्षण के नियम से एच म्यू = 5+ e के। यदि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग वी मैक्स हो तो तथा द्रव्यमान m हो तो e = क्या होगा, गतिज ऊर्जा का फार्मूला 1/2 mv² समीकरण 1 में रखने पर।
इस चीज़ को समीकरण एक दिए हैं उसमें इस वैल्यू ई के वैल्यू को रखते हैं तो 1/2 mv मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू h μ-5, ये इक्वेशन 2 बन गया। यदि आपतित फोटान की ऊर्जा कार्यफलन के बराबर हो, यदि आपतित फोटान की ऊर्जा कार्यफलन के बराबर हो तो वी मैक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, वही म्यू क्या हो जाएगा, म्यू 0 अर्थात देहली आवृत्ति कब होगा, जब आपतित फोटान की ऊर्जा कार्यफलन के बराबर हो तब। तो समीकरण 2 में वैल्यू रख देते हैं तो h μ0 = 5। पुनः समीकरण 2 में 5 का मान रखने पर 1/2 mv² = h μ - h μ0, तो 1/2 mv² = h μ - h μ0, यही हमारा आइंस्टाइन समीकरण हो जाएगा। अब इसका यहाँ पे आपको उपयोग दिखाना है, कम से कम 2-3 लिखना है। तो प्रकाश विद्युत सेल में, इमेज सेंसर में, अंतरिक्ष यान में, फोटो मल्टीप्लेयरों इत्यादि में इसका यूज़ होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इतना लिखेंगे तो 15 में आराम से 10 नंबर कोई भी चेकर दे देगा, इसी में अथवा करके क्वेश्चन था। तो नामांकित चित्र की सहायता से मानव हृदय की संरचना एवं कार्यविधि को समझाइए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको हृदय की संरचना का चित्र बनाना था। यहाँ पर आपको हार्ट का ड्राइंग बनाना था, मैंने इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लगाया है टाइम को बचाने के लिए। तो यहाँ पर संरचना देखते हैं, यह 4 कक्षों का बना होता है और दाएं तथा बाएं भाग में बटा होता है। देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ 4 पार्ट में बटा रहता है, दोनों भागों के बीच पूरी लंबाई में एक पट पाया जाता है, यहाँ पे जो मैं लाइन ड्रॉ किया हूँ। दाई तरफ का भाग, दाई तरफ का ऊपरी कक्ष दाया आलिंद अर्थात ये वाला सिरा दाया आलिंद, तथा निचला कक्ष अर्थात ये वाला पार्ट दाया निलय कहलाता है। इसी तरह बाई तरफ का ऊपरी कक्ष बाया आलिंद तथा निचला कक्ष बाया निलय कहलाता है। दोनों ही आलिंद तथा निलय एक दूसरे से अलग होते हैं तथा आलिंद की दीवारें पतली व निलय की दीवारें मोटी होती है। तो देखिए यहाँ पे संरचना में मेन मेन पॉइंट्स को लिखना है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें तो नहीं लिख सकते 175 शब्दों में, क्योंकि हार्ट का पूरा थ्योरी बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मेन मेन पॉइंट को लिखा है, ऐसे ही आप लिख कर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब इसका कार्यविधि देखते हैं। तो हृदय शरीर के विभिन्न भागों को रुधिर पंप करता है। हृदय यह कार्य स्वयं के संकुचन व शिथिलन के द्वारा पूरा करता है, इसे ही हृदय का धड़कन कहते हैं, अर्थात जो संकुचन व शिथिलन के द्वारा अपना कार्य पूरा करता है। तो संकुचन और शिथिलन को ही हृदय की धड़कन कहते हैं। विश्रामावस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हृदय 1 बार में 70 ml रुधिर पंप करता है, अर्थात दिन भर में 5 लीटर पंप रुधिर कर देता है। हृदय की धड़कन के समय दोनों आलिंद व निलय बारी बारी संकुचित होते हैं। यह दाहिने आलिंद में स्थित सिरा आलिंद नोड या पेसमेकर से प्रारंभ होती है। जब निलय संकुचित होता है तब आलिंद शिथिल हो जाता है, तथा जब आलिंद संकुचित होता है तो निलय संकुचित हो जाता है। यह क्रम अनुसार लगातार चलता रहता है। जब धड़कन एक बार शुरू हो जाती है तो यह जीवन पर्यंत चलती रहती है और मृत्यु होने पर ही बंद होती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कार्यविधि भी आपको बहुत लंबा चौड़ा मिलेगा, जिसको मैंने यहाँ पे बहुत ही कम शब्द में अच्छा डिफाइन करने की कोशिश करा है। पेपर नंबर 4 में भाग 2 से 175 शब्द के प्रश्न नहीं बनते हैं, केवल भाग 1 और भाग 3 से बनते हैं। भाग 1 में साइंस है और भाग 3 में टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट वगैरह है। तो यहाँ पे देखिए अब टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 17 है, सूचना प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, ग्रामीण भारत में इसके योगदान का वर्णन करें। तो सबसे पहले आपको सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में बताना है, फिर उसका क्या क्या योगदान है ग्रामीण भारत के क्षेत्र में, इस चीज़ को यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। तो सूचना प्रौद्योगिकी मानव जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है, जिसके बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। आज देश ही नहीं समूची गाँव सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के जरिए एक गाँव एक घर के रूप में तब्दील हो गई है। आज कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंक, बीमा,
इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रशासन, सुरक्षा, यातायात, व्यापार आदि क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी का अहम भूमिका है। यही कारण है कि सूचना प्रौद्योगिकी और समाज एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको सूचना प्रौद्योगिकी के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हुए आपको ऐसे जैसे इसको लिखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने नारा दिया है कि 2015 तक दुनिया के प्रत्येक गांव को इंटरनेट से जोड़ दिया जाएगा। आज पंचायतों से लेकर लोकसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, तो वही इंटरनेट ने भी गाँव में क्रांति ला दी है। सूचना प्रौद्योगिकी का ग्रामीण भारत के विकास में योगदान को निम्न योजनाओं का श्रेय जाता है। करेंट के मैटर को इंक्लूड करना होगा, क्योंकि जो भी सारे योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी के लिए संचालित हैं, उन सभी को। तो यहाँ देखिए, ई चौपाल, ग्राम ज्ञान केंद्र, किसान कॉल सेंटर, ग्रामीण आम सुविधा केंद्र, समुदाय सूचना केंद्र, ई प्रशासन, वाईफाई तकनीक, ई कॉमर्स इत्यादि। दोस्तों, यहाँ पर मैंने केवल नाम लिखे हैं, क्योंकि उतना सारा जगह नहीं है कि इनको डिटेलिंग कर सके। इन सभी योजनाओं के माध्यम से गाँवों, शिक्षण संस्थाओं एवं उद्यमियों तीनों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस क्षेत्र में विकास के लिए भारत अमेरिका संयुक्त कार्यबल बना चुका है। यह कार्यबल उन गांवों को चिन्हित करेगा जहां इन योजनाओं की स्थापना हेतु भूमि एवं बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो सके। तो ऐसे आप अच्छा से अच्छा आंसर लिख सकते हैं वर्ड लिमिट में। दोस्तों, अगर सूचना प्रौद्योगिकी में लिखने को कहा जाए तो कोई भी स्टूडेंट 250 से 300 शब्द लिख सकता है, मतलब कि एक ऐसे बना सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको उसी को 175 शब्द में बताना है। इसमें एक और क्वेश्चन था अथवा करके, आपको केवल एक क्वेश्चन सॉल्व करना था, लेकिन मैंने सभी को यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है। तो देखिए, भारत विशाल जैव विविधता राष्ट्र है, समझाइए। तो यहाँ पे जैव विविधता के बारे में आपको स्टार्ट करते हुए, जो भारत का जैव विविधता के क्षेत्र में जो दशा है, उस चीज़ को यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। तो देखते हैं, भारत वृहद जैव विविधता वाला राष्ट्र है। यहाँ पादपों की 46,000 प्रजातियाँ एवं प्राणियों की 81,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ऐसी वृहद जैव विविधता वाले राष्ट्र विश्व में बहुत कम है। विशाल भूभाग, स्थिति तथा भौगोलिक दशाओं में भिन्नता के कारण यहाँ वृहद स्तर पर जैव विविधता पाई जाती है। विश्व की लगभग सभी जलवायु दशाएं देश के किसी न किसी भाग में पाई जाती हैं। इसकी गणना विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता वाले राष्ट्रों में की जाती है। भारत के लिए वृहद जैव विविधता के लिए उत्तरदायी कारक निम्न है। तो यहाँ पे देखिए, विशाल भूभाग, स्थिति और भौगोलिक दशाओं, इसी को आप आगे भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले विस्तार देखते हैं। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। वनस्पति विहीन क्षेत्र बहुत कम हो यहाँ पे बहुत कम है, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा जगह में वनस्पति फैले हुए हैं। ऐसे विशाल राष्ट्र में वृहद जैव विविधता वाल पाया जाना स्वाभाविक है। स्थिति व सीमाएँ, उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 30 डिग्री 86 विस्तार भारत की जलवायु विविधता का बड़ा कारण है। जलवायु, थर्ड पॉइंट देखते हैं, जलवायु प्रकृति का वरदान है कि भारत में विश्व की सभी प्रमुख जलवायु दशाएँ पाई जाती है। जलवायु की विविधता के कारण ही यहाँ वनस्पति व जंतुओं के विभिन्न जातियाँ विकसित हैं। उच्चावच देखते हैं, भारत के धरातल पर पर्वत, पठार, मैदान आदि सभी प्रमुख स्थानों के कारण यहाँ जैव विविधता के अनेक स्वरूप देखे जा सकते हैं। मृदा देखते हैं, देश के विभिन्न भागों पर विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। मिट्टी की संरचना व उर्वरता का प्रभाव वनस्पति पर पड़ता है। छठवां देखते हैं, समुद्र से निकटता, समुद्र से दूरी का प्रभाव जलवायु पर पड़ता है, जिससे यहाँ पे जैव विविधता के अनेक क्षेत्र देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ भी आप बहुत सारे पॉइंट्स लिखकर इस चीज़ को दिखा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये लेक्चर यूज़फुल लगा होगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और छोटे भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर करना, जो मेंस की तैयारी में जुटे हुए हैं। और दोस्तों, मैं और भी पेपर का सॉल्यूशन अपने चैनल में अपलोड करूँगा, तो अपलोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक करके रखें, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।